वेलकम टू माय स्टूडेंट, आप देख रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन के फॉर्म में कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो उसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जीरो से टी एफ टी लिखा हुआ है, इसका कहा जा रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। तो जीरो से टी एफ टी का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो आपको पता है एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ एस होता है। और जीरो से टी है, इसका मतलब क्या होगा, वन बाई एस होगा। तो एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे जीरो से टी साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको करना है, इसका कहा जा रहा है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। तो साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जीरो से टी है, इसका मतलब क्या करना है, वन बाई एस से मल्टीप्लाई करना है या इस पूरे में एस से डिवाइड कर देना है। तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रेशन। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, जीरो से टी है, जीरो से टी इंटीग्रेशन है, ई की पावर ए टी इंटू डी टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। तो e की पावर ए टी का लाप्लास क्या होगा, वन बाई एस माइनस ए, और जीरो से t है तो क्या हो जाएगा, वन बाई एस हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो क्या करना है। तो सबसे पहले फार्मूला देखिए, इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n है, एफ टी है, तो ध्यान दीजिएगा माइनस वन की पावर n, डी की पावर एन, डी एस की पावर एन इंटू एफ एस, ये होगा। अगर टी की पावर एन है तो माइनस वन की पावर एन, डी की पावर एन, डी एस की पावर एन। एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल से समझ में आएगा। टी लिखा हुआ है, ई की पावर ए टी है, तो जैसा कि फार्मूला है माइनस वन की पावर एन, पावर वन है तो पावर वन हो जाएगा, डी बाई डी एस, यहाँ पावर वन, यहाँ पावर वन, ई की पावर ए टी का लाप्लास एस माइनस ए। अब एस माइनस ए का डिफरेंशिएशन करिए, वन अपॉन एस माइनस ए का, तो ये ऊपर ड्रॉप होगा, माइनस वन एस माइनस ए, माइनस वन माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई की पावर टी केवल लिखा होगा, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई की पावर टी का क्या होगा, एस माइनस वन, और पावर टू है तो माइनस वन की पावर टू, डी की पावर टू, डी एस की पावर टू, माइनस वन का स्क्वायर वन, डी बाई डी एस, डी बाई डी एस, एस माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन करिए, माइनस वन डी बाई डी एस, वन बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए, माइनस वन माइनस टू, वन अपॉन एस माइनस ए की पावर थ्री, तो माइनस माइनस प्लस एस माइनस ए की पावर थ्री, माइनस वन आगे ड्रॉप होगा इसमें, डी वाई डी एस, एक बार डिफ्रेंसेशन करेंगे तो यहाँ एक माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस वन हो गया, प्लस माइनस माइनस टू, तो इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आपका डिफ्रेंसेशन हो जाएगा।